गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30। हम सब लोग ने चाय वगैरह पी लिया है। सर्दी के वजह से मेरी गले की हालत बहुत ख़राब हो गई है, दर्द हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल हमने चाय वगैरह पी लिया है। और जो छोटू है मेरा देवर, जिसे आप ऑलरेडी देख चुके होंगे ब्लॉग में, तो वो आज वापस कॉलेज लाइक अपने हॉस्टल में जा रहा है। तो उसको बाटी चोखा बहुत पसंद है। तो आज सवेरे सवेरे ही ब्रेकफास्ट में मम्मी ने वो बनाने की तैयारी कर दी है। तो चलिए अब आपको उसकी प्रिपरेशन दिखाते हैं। वो तो आपने बहुत बार ऑलरेडी देख ही ली होगी, तो बस एक झलक दिखाएंगे। ये देखिए, ये बन गया क्योंकि छोटू को बहुत पसंद है। ये तवे पे, क्योंकि छोटू को बहुत पसंद है, तो वो नहा वहा चुका है। तो अब नाश्ते पे बैठेगा। पापा जैसे कि बैठ चुके हैं नाश्ते पे, और यहाँ पे बाकी तैयारी हो गई है। और छोटू भी नहा के आ गया है सुन्नर मुन्नर होके। हम सभी का नाश्ता हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। हल्का हल्का कोहरा है। अरे छोटू कह रहा है कि अभी व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, इतना अच्छा मुद्दा है तो छोटू करेगा व्लॉगिंग। कर वो बोल बाबू, ये फंस गया। दूसरों को ज्ञान देना आसान है, खुद बोलने पे ऐसी तो नहीं, बोलना है ना, व्लॉगिंग करनी है, बोलो कुछ। तुम्हें आज हम हजरतगंज घुमाएंगे। है कहाँ है हजरतगंज? यहीं ये यहाँ से गेट खोलो, बाद में है तो खाली। तो तभी तो आशीर्वाद आ रहा है, तभी वो मैदा जैसा लगता है। फेस्टिवल की क्या बात करते हैं आप? कोई हम कह रहे थे ये सकट की तैयारी हो रही है, उसके लिए चावल सुखाया जा रहा है, फिर से पीसा जाएगा। देखो ब्लोटर, धूप नहीं आ रही इसलिए ब्लोअर के सामने। तिल भी सुखाया जा चुका है, तब तक आप तैयार हो जाए, फिर हम जब आटा लेके आएंगे तब घूमने चलते। देखो अपना ओरिजिनल रूप मत दिखाना, लोग डर जाएंगे। ये लग रहा है कि ये पक्का लग रहा है कि किसी और की है, खुद की नहीं है। नहीं, ये ना बहुत बार आ गया। पिछले 17-18 व्लॉग देखोगे तो यही जैकेट है, यही जैकेट है। वाह, अभी जैकेट जानते हो कब की है? कब की? हाँ वो देख के लग रही है, किसकी? फूफा की है भैया की। 2003 की जैकेट है ये, 21 साल की जैकेट हो चुकी है। हाँ छोटू के बच्चे को यही देख, टाइम है उसमें भी लपेटने को। तो अचानक से हम लोग का प्लान बना घूमने का, और हम लोग निकल रहे किधर पता है? हमें भी नहीं पता, बस निकल गए रोड ट्रिप पे। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, और वैसे आपको अपडेट देंगे। चलते हैं हमारे लखनऊ में हजरतगंज, इसको हजरतगंज के दिखाते, फिर वापसी में कैफे में बैठेंगे, कैफे में बैठ के कॉफी वॉफी पी के घर आ जाएंगे। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? ओके फाइन। तो मार्केट में क्या है, मतलब वहाँ पे इयररिंग्स वगैरह से बाहर सब लगे हाँ, रहते हैं? हाँ, बाहर लगे रहते हैं होलसेल प्राइस में, वो जनपथ में, जनपथ में, जनपथ में। तो मुझे उधर ले चलो जहाँ सस्ते में मिले। ओके ओके, अभी किधर जा रहे? कैंट। तुम बताओगे भाई, तुम रास्ता जानते हो, हम नहीं जानते। मैं रास्ता नहीं जानता हूँ कैंट का, मैंने कब बोला कि मैं कैंट का रास्ता जानता हूँ? मैंने बस बोला कि ले लो सीधे कैंट चलते हैं, ये कैंट जाता है, सीधे चलते नहीं कहीं ना कहीं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? जनपति चलते हैं। हाँ भाई वापस ही चलते, वही बेटर है। ये है गवर्नर का घर, जे दरवाजा, जे दरवाजा है राजभवन। अदरक भी लेना है, याद रखना। क्या मतलब क्रेटा खरीद? ये हजरतगंज आ गए, ये गंज आ गए, यहीं से हजरतगंज शुरू हो जाता है रोड के उस पास। हाँ। अब हम लगा रहे हैं गाड़ी पार्किंग में। ये आ गया हमारा पार्किंग।
गाइस हमारा पोपट कट गया। हम बहुत सोच के जनपद मार्केट आए थे कि हम कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, पर क्योंकि हम भूल गए थे कि आज संडे, और हमारे भैया जी को भी नहीं पता था कि आज मार्केट बंद हुआ है। इन्होंने बोला थर्सडे बंद रहता है, जबकि थर्सडे अमीनाबाद के लिए होता है। तो फिलहाल हम लोग वापस मल्टी लेवल पार्किंग को ज़बरदस्ती का पैसा देने के बाद घर जा रहे हैं। नहीं मतलब अब कहीं और देखते हैं, क्योंकि हम एक जगह और हमारे घर वालों ने बोला था वहाँ जाके देख के आ जाना, तो शायद वो वही काम पूरा करके आएंगे। और अगर कुछ कुछ खाना वाना हुआ तो एक आध अच्छे अच्छे कैफे, शायद अगर हमारे भैया जी की मेहरबानी रही तो शायद कोई कैफे हम अच्छा ज़रूर चले जाएँ, क्योंकि आज पूरा हजरतगंज बंद है, तो आज तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको छोटा सा जनपद मार्केट का एक झलक दिखा देता हूँ। आपको एक हजरतगंज की छोटी सी झलक दिखाते हैं। वैसे तो आज खाली है क्योंकि आज संडे है, पर हम आपको छोटी सी झलक दिखाते हैं। यहाँ से शुरू करते, देखिए कितना उदास चेहरा हो चुका है, पता नहीं क्यों आंखों में आंसू भी हैं हल्के हल्के। और ये एक्चुअली हजरतगंज मार्केट है, वो सामने मल्टी लेवल पार्किंग है जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है। ये सबसे पुराना, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिनेमा हॉल्स ऑफ हजरतगंज है। और ये पूरी स्ट्रीट, एक्चुअली पूरी स्ट्रीट ही हजरतगंज स्ट्रीट है, और इसी को हम गंजिंग बोलते हैं। हमारे एक लखनऊ में एक टर्म है कि जब भी हम हजरतगंज आते हैं, भले कोई काम ना हो, बस आते हैं और यहाँ वॉक करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गंजिंग। तुमने कभी गंजिंग करी? किसके साथ? तो आज हम इनको गंजिंग कराने आए थे, वो भी संडे के दिन, क्योंकि हमारे भैया जी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। पर बेसिकली इट्स जस्ट अ शॉपिंग मार्केट, जनपद मार्केट थोड़ा वो मॉल भाव वाला मार्केट है, बैंडस्टैंड और लिंकिंग है ना वैसा मुंबई में, पर ये बहुत अच्छा मार्केट है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा। तो हम देखते हैं आगे अभी हमें क्या करना है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, जिस चीज से हम थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही चीज होते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने, शॉपिंग। तो गाइज मैंने शॉपिंग की, हालांकि सब बंद था, मगर एक इयरिंग वाले भैया थे तो मैंने 3 इयरिंग खरीद ली। और ये देखो कितनी प्यारी है, मैं निकाल के दिखाती हूँ। बस ये देखो गणपति जी बने और नीचे सिक्के, और सिक्कों में भी कुछ अलग अलग डिजाइन बना है जो नहीं समझ रहा, पर ये देखो कितने प्यारे हैं। ये ना मोस्टली जैसे गणपति वगैरह हमारे घर पे तो गणपति जी बैठती है, हाँ, सीधे। तो मस्त गणपति के फेस्टिवल में पहनने का है गल्ली। जू वाला नहीं, ये जू वाला थोड़ी। और दिखाती हूँ ये मुझे मालूम है कितने सस्ते पड़े, 70 रुपीज, ये वाला ओनली 70 रुपीज में पड़े, और बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल भी वेट नहीं, पूरा दिन पहनो। और दूसरा दिखाऊं, ये देखो ऐसे फ्लावर के, ये भी 70 में ही, देखो मल्टी कलर तो बहुत प्यारे हैं। तो और एक सिल्वर में है, दिखाऊं? ये देखो ये हाथी बना है, और फिर नीचे अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये जो पीछे भाई साहब बैठे हैं वो बताएंगे। कहाँ जा रहे हैं छोटू? हम लोग जा रहे हैं एक जमीन देखना जो हमारे दादाजी ने दी हुई है काफी टाइम पहले, तो हम लोग जा रहे हैं उसको देखने कैसी है। वो जगह पर कि वो जगह पर है या जगह से भाग गई? जगह पर है कि उस पे कोई और आके अपनी जगह बना रहा है, कब्जा कर रहा है कोई? कब्जा तो नहीं हो रहा। कौन से एरिया में? कौन से एरिया में? ये लौलाई एरिया है लखनऊ में। लौलाई गाँव है, ये गाँव है जो की किसान पथ के जस्ट बगल में। हाँ, हम लोग देखने जा रहे हैं, कोई कब्जा तो नहीं कर लिया? कर लिया होगा तो मार के लिए हम असलहा मारने के लिए हमने नहीं, तुम हो ना? मैं मारूंगी, मैं मारने के लिए जा रही हूँ, उसके लिए छोटू रखा है हमने। अभी मोए मोए मोमेंट हो गया गाइस, मोए मोए मोमेंट हो गया। मैं यहाँ पूरा रास्ते शूट करते हुए आ रहा था, बट थोड़ा दूर बाद मेरे को पता चला कि रिकॉर्ड बटन दबाई नहीं, तो आप लोग काफी चीजें मिस करें। तो ये हमारी पुश्तैनी जमीन आ गई, खाली है, खाली है, किसी ने कब्जा नहीं किया गाइस।
ये लो पकड़ो, अरे पकड़ो मेरे को निकलना है यार। अरे तो ऐसे निकल नहीं पाओगे। नहीं नहीं पकड़ो आप, उधर दिखाते रहो, मैं सुसु करने जा रहा हूँ, कट कर देना इसको। और ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं। और ये एकदम गांव, ये देखो यहाँ पे गोबर फेंका है बगल के प्लॉट में, मतलब जिसका होगा। और ये देखो ये घर, ये देखो एकदम गांव है। देखो ये एकदम कच्ची सड़क मिट्टी की गई है। ये गाय गैया मैया, एक कच्ची सड़क यहाँ पे गई है। अरे कर दो कि जगह पर ही है जमीन, वहाँ देखो भैंसिया है वहाँ पे। को अब हम लोग रिटर्न जा रहे घर। ये सामने है हाईवे, किसान पथ। किसान पथ मेरे जीजू को ना गांव बहुत पसंद है, आदि जीजू को, अगर वो होते ना बहुत एंजॉय करते। ब्लॉग में देख लेंगे ना। हाँ जीजा जी, आपके लिए। हाँ ये ट्रिप आपके, ये शूटिंग आपके लिए पर्टिकुलरली। ध्यान से देखिएगा गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये किसी का फार्म हाउस है, गीता मिलन फार्म हाउस करके कुछ था। जब जब इस रास्ते पे आता हूँ तब तब इस बंदे को देख के मेरी पूरी एकदम सही से पूछ रहे ना हमें लेनी है, ना हमें लेनी है, ये चल रही है बकैती, ना हमें जमीन लेनी है और ना आपको बेचनी भी होगी जहाँ तक है। बेचनी भी हो तो हम नहीं लेंगे। हाँ बेचनी हो भी तो भी हम नहीं लेंगे, बस हाँ वो थोड़ा सा यूपी से है तो हर चीज की पंचायत रहती है। ये देख सकते हैं आप, ये गांव की मार्केट है, रामफल मार्केट लॉल ई लखनऊ। अच्छा ओके, लॉल ई लखनऊ। अभी आपको हम विश्व प्रसिद्ध कॉलेज MIT दिखाएंगे, MIT दिखाएंगे, जहाँ से सिर्फ लफंट इसके पूरे शूट का एक भी सीन नहीं डाल सकते। काहे का केस, कोई इतना नहीं करने जाता। एल्विश एल्विश सब यही करते हैं। एल्विश भाई का कोई बोल सकता है क्या? नहीं, तो सिर्फ सिस्टम चले, सिस्टम चले, सिस्टम, हम तो सिस्टम कर रहे हैं। एल्विश भाई अगर आप ये वीडियो देखना, बिग फैन एल्विश भाई, मुझे भी अपनी टीम में लेके मुझे भी अगले साल थार की डिलीवरी दिलवा दो। अदरक लेना है, अदरक लेना है, हमारी भाभी जी को अभी याद आ रहा है, अदरक लेना है। तो घर जाके छोटू चाय बनाएगा ना। अच्छा तो गाइस मेरा यहीं तक था, मुझे याद आया कि मुझे अभी रास्ते में उतरना है, तो गाइस बाय बाय। मैं यहीं उतर जाऊंगा, चाय क्या होता है मुझे पता नहीं है। यहाँ से ऑटो मिलेगा मुझे, डायरेक्ट ले जाएगा कहाँ, जहाँ मैं रहता हूँ। एड्रेस नहीं लीक करने का, दिखाई कोई भी लड़की छोटू से कांटेक्ट ना करे। हाँ मेरा नंबर बिल्कुल नहीं है 8853। इंस्टा आईडी मेरी बिल्कुल नहीं है अर्पित मिश्रा के नाम से, ना बिल्कुल नहीं। वैसे बिल्कुल तो मैं मैसेज नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी करेंगे तो इग्नोर नहीं करूंगा। हाँ, तो प्लीज आप मत करिएगा जिससे मैं इग्नोर नहीं कर पाता हूँ। ये दी फेमस MIT टी जी। बस ये ट्रेन मल्हौर स्टेशन की ट्रेनें हैं। ये स्टेशन है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मल्हौर काफ़ी अच्छा डेवलप्ड स्टेशन है। यहाँ से सारी राजधानी और जितनी भी फेमस ट्रेनें हैं सब यहीं से जाती हैं, एक भी नहीं रुकती यहाँ पे, एक भी नहीं रुकती। ठीक है, जाती है लेकिन एक भी रुकती नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन होम स्वीट होम। ये लोग किसी चीज़ के लिए लड़ाई करते हुए, किस बारे में लड़ रहे हैं आप लोग? मेरा एक इयररिंग। वाह, एक इयररिंग इनका खो गया। जा रहा है अब वापस कॉलेज हॉस्टल। बाय बाय। हफ्ते 10 दिन में बोल तो रहा है आऊंगा, अब देखो कब आता है। इसकी प्रायोरिटीज ये देखो, हमारा छोटू चला।